हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस, डोसेस, आप इस सिरप को जो है सस्पेंशन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर अगर आपको लिख कर दे रहे हैं तो भी आपके किस इलाज में डॉक्टर्स आपको ये लिख कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी कंपनी से लेके इसके प्राइसिंग तक आज हम इसका पूरा रिव्यू देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ओरोफर एक्सटी प्लस सिरप की। इसमें आपको प्लेन ओरोफर एक्सटी भी मिल जाएगा। इसमें एक कंटेंट ज़्यादा है इसीलिए प्लस लिया है, और एक कंटेंट कम हो जाता है तो फिर इसको ओरोफर एक्सटी प्लेन रखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको तीन कंटेंट अभी मिल रहे हैं। इसमें एक है फेरस एस्कॉर्बेट, दूसरा जो है वो है फोलिक एसिड, और तीसरा जो है ये मीकोबलामाइन सस्पेंशन। तो ऐसे तीन कंटेंट कॉम्बिनेशन से आपको ये दवा मिल रही है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स आपके एनीमिया के इलाज के लिए करते हैं। जैसे अगर आपके बॉडी में जो है वो खून बनने की जो प्रक्रिया होती है ये अगर कम हो, या फिर किसी किसी के बॉडी में खून बनने की प्रक्रिया नहीं होती, वो कुछ भी खा ले कैसे भी खा ले इसमें इनके बॉडी में खून नहीं बनता है, तो ऐसे में इनको सस्पेंशन की ज़रूरत पड़ती है खून की लेवल बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर साहब के लिए ये यूज़ करते हैं। ये आप बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों में ये यूज़ नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, इसको इसमें जो है ये एक फ्यूमरेट आयरन का स्रोत है। ये आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और रेड सेल्स को, रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है, और शरीर में जो है वो खून बढ़ाने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप जो है वो एनर्जेटिक फील करते हैं, अपने आप को बिल्कुल भी थका हुआ ऐसा नहीं लगता है आपको, और एनीमिया को जल्द से जल्द ये रोक लेता है। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनीमिया को रोकने के लिए, और एक न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस से लेकर आपके हीमोसिस्टम और रीमेथिलेशन तक ये सभी कार्यों में आपके आवश्यक है। और फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप इसको आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर जो भी लेडीज़ जो है इसको मोस्टली जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि बच्चे को जन्म देते वक्त माँ में उनकी कमी हो जाती है, तो ऐसे में बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है, बच्चे पर भी खून की कमी हो सकती है और बच्चे को कुछ हार्मफुल जो है वो अटैक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपके जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इनको ये यूज़ करते हैं, क्योंकि खून की कमी को पूरा करने के लिए और इनके अंदर जो है वो आयरन के स्रोत को बनाए रखने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज़ कर सकते। गर्भावस्था के दौरान जो है बच्चे का जो सामान्य विकास होता है इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बच्चे को अच्छा आयरन मिले और बच्चे को अच्छी पोषक तत्व मिले इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको बच्चों में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपको डॉक्टर को पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो फ्लेवर है ये ऑरेंज कूल फ्लेवर में आपको मिल रहा है, और भी इसमें फ्लेवर्स आपको आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी की यहाँ पर बात कर ले तो फ्रेंड्स, एम केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये दवाई आपको आ जाती है, अगर हम सेम ओरोफर एक्सटी की बात करें तो। अगर आप कंटेंट जो है ये पूरे कंटेंट किसी और कंपनी में भी लेने जाओगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई भी बात नहीं होती है। इसमें आपको सिर्फ प्राइसिंग में उतार चढ़ाव मिल सकता है, बाकी इसका काम जो है ये बिल्कुल सेम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, 200 ml की आपको वन बॉटल मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की आपको 200 ml की बॉटल मिल जाती है। यहाँ पर आपको मेजरिंग कप भी मिल जाता है, तो इस हिसाब से ही आपको ये दवाई जो है वो लेनी होती है। जितना भी आपको डॉक्टर बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको इसे लेना है। आप इसे घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी बता देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना चैनल को इसी तरह से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।